विभाग विनोद में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एस एन विनोद पुनः हाजिर हूँ आपके सामने आज की सर्वाधिक चर्चित विषय पर आपके साथ अपने विचार साझा करने। जी तो सीधे चलते हैं दो मुद्दों को लेकर, बल्कि दो बयानों को लेकर, सियासत में नहीं देश के आम लोगों के बीच एक बहस छिड़ गई है, चर्चा जारी है। पहला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में जो भाषण दिए, और राजीव गांधी ने जो कभी 85% कमीशन की बात की थी उसको लेकर, और दूसरा मोदी सरकार के एक मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो गांधी उपनाम को लेकर राहुल गांधी पर प्रहार किए, और इससे जुड़ा मुद्दा यही निकलता है कि जैसे मैं कई बार हम लोग चर्चा में कर चुके हैं कि जब राजनेता और विशेष करके प्रधानमंत्री और अगर केंद्रीय मंत्री जब कुछ बोले तो उसके पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन तथ्यों कथित तथ्यों का प्रयोग करते हैं, उदाहरण पेश करते हैं, उसकी छानबीन कर लें, उसकी पड़ताल कर लें, ताकि वे देश समाज की नजर में कभी उपहास के पात्र न बने। लेकिन इसकी चिंता नहीं है, वो तो तात्कालिक तालियां चाहते हैं। जब वो सार्वजनिक भाषण देते हैं तो वहां चाहते हैं, और कहीं जब बयान देते हैं तो उनको अखबारों में सुर्खियां चाहिए, चैनलों में सुर्खियां चाहिए। सिर्फ इस बात को ध्यान में रखकर जब वे बोलते हैं तो तथ्यात्मक रूप से वे गलत होते हैं, और जनता दंग रह जाती है, चकित रह जाती है, बल्कि दुखी हो जाती है कि जिन हाथों में उन्होंने विश्वास के साथ सत्ता सौंपी है उनकी सोच क्या है, उनका ज्ञान क्या है। दो उदाहरण पेश करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी कांग्रेस पर, विशेषकर राहुल गांधी, नेहरू पर, गांधी परिवार पर राजस्थान के दौरे में तीखे प्रहार किए, अत्यंत ही तीखे प्रहार किए, और उसी क्रम में वे यह बताना न भूले, जब कभी राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, ध्यान रखें, तब उन्होंने एक अवसर पर कहा, मैंने व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर, बल्कि उन्हें चिन्हित करते हुए उन्होंने कहा था कि हम जब 1 रुपये भेजते हैं अथवा 100 पैसे भेजते हैं विकास के मद में कहीं, तो वो अपने लक्ष्य पर पहुंचते वो 85% 85 पैसे गायब होते हैं, मात्र 15 पैसा पहुंच पाता है। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शब्द थे। उसे प्रधानमंत्री मोदी ने उद्धृत करते हुए इस रूप में पेश किया कि जैसे कांग्रेस के शासन में 85% विकास के मद में जो राशि आवंटित होती थी, 85% उसका वो लूट हो जाता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। ये बात, और ये जवाब था पिछले कर्नाटक के चुनाव में जब वहां की भाजपा सरकार पर कांग्रेस ने आक्रमण किया, 40% कमीशन की बात लेकर के, और खूब प्रचारित हुआ और जनता ने उसका संज्ञान लिया, मतदाता ने उसका संज्ञान लिया, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल गई। यह प्रमाण सामने, उसके बाद जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं, उन्होंने उद्धृत किया कि स्वयं राजीव गांधी ने कहा था, इस भ्रष्टाचार को चिन्हित किया था कि हम जो राशि भेजते हैं उसमें 85% राशि, इसे कांग्रेस के या कांग्रेस शासन के भ्रष्टाचार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने पेश किया। पीड़ा होती है उनकी सोच पर, उनकी समझ पर। जैसे मैंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री या कोई जिम्मेदार मंत्री, केंद्रीय मंत्री या अन्य नेता जब भाषण देते हैं, बोलते हैं, तो उन्हें तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री को तो कतई नहीं। जिस उद्धरण को उन्होंने पेश किया 85% और 15%, जरा उसके पार्श्व में जाइए, किसने कहा था यह बात? स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, ध्यान रखिए।
यह तो एक स्वीकारोक्ति थी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की। उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि हम जो पैसे भेजते हैं उसमें 85 पैसे, 1 रुपये 85 पैसे गायब हो जाते हैं। यह व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार व्याप्त थी उसके खिलाफ एक अभियान चलाने की जरूरत को चिन्हित करते हुए राजीव गांधी ने ऐसे बयान दिए थे। इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। उन्होंने अपनी कमियों को, अपनी खामियों को उनके शासन के अंतर्गत व्याप्त जो नीतियां थे जिसके कारण ये भ्रष्टाचार पनप रहा था उसे स्वीकार किया, उसे छुपाया नहीं, उसे पर्दे उस पर पर्दा नहीं डाला, उसे स्वीकार किया कि इस तरह की व्यवस्था हमारे यहां है। इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए, लोगों ने उस समय किया था प्रशंसा। लेकिन जब प्रधानमंत्री उसे एक नकारात्मक रूप में पेश कर दिए कांग्रेस पर आक्रमण करते हैं तो पीड़ा होती है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि उनके एक पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री ने अपने शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को चिन्हित करते हुए इतनी बड़ी बात कही, अर्थात भ्रष्टाचार की मौजूदगी को स्वीकार किया था। और वर्तमान काल में क्या हो रहा है, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है। प्रधानमंत्री ने उसी भाषण के क्रम में बताया कि हमने पिछड़े और अन्य वर्गों को विकास के कार्य में 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए और अगर कांग्रेस शासन होता तो उसमें 20 लाख करोड़ की लूट हो जाती, मात्र 4 लाख करोड़ रुपए पहुंचते। ये उदाहरण पेश किया। अफसोस होता है, बल्कि दुख होता है, गहरा दुख होता है कि हमारे प्रधानमंत्री इस तरह की बातों को उद्धृत क्यों करते हैं। जब हम आलोचना करते हैं विपक्ष की तो बोलते हैं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, उसी तरह प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हुए कांग्रेस पर आक्रमण करें, उनकी नीतियों के खिलाफ करें, उनके द्वारा संपादित कुछ कार्यों का विरोध दें जिसमें भ्रष्टाचार था, बोफोर्स का मामला था, फेयरफैक्स का मामला था, सब सामने है, कई बार उद्धृत हुआ, वो सही होगा, जनता उसे स्वीकार करेगी। लेकिन राजीव गांधी के कथन को नकारात्मक रूप में पेश कर वे जनता का समर्थन प्राप्त है। जनता समझदार है, मूर्ख नहीं है, बातों को समझती है। कर्नाटक का चुनाव परिणाम इसका जो है प्रमाण है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। और यह सिर्फ नतीजा होता है कि उनके जो अधीनस्थ काम करने वाले लोग हैं उनके मंत्री वे भी उसी दिशा में चल पड़ते हैं और सत्ता को और स्वयं को छोड़िए सत्य को पूरी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, सोच के आधार पर, उनके ज्ञान के आधार पर। प्रहलाद जोशी एक केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने राहुल गांधी को एक नकली गांधी बताते हुए कहा, वो ठीक है, वो तो प्रहार चलता रहता है, लेकिन उन्होंने फिर वही आलू से सोना वाली बात का उदाहरण दे दिया, ठीक 85% की तरह। मेरे दोस्त, आलू से सोना बनाने की बात राहुल गांधी ने नहीं कही थी, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। राहुल गांधी ने उसे उद्धृत भर किया था, लेकिन आप राहुल गांधी के मुंह में डाल उन्हें बेवकूफ साबित कर रहे हैं। अर्थात आप स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेवकूफ साबित कर रहे हैं इस बात को उद्धृत करके। ध्यान रहे, दोहरा दो, कालों से सोना निकालने वाली बात जो व्यंग में चली वह स्वयं नरेंद्र मोदी के शब्द थे जिसे राहुल गांधी ने मात्र उद्धृत किया था। और उसे आप राहुल गांधी के शब्द मानकर उनकी आलोचना करते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप उस तथ्यों की आलोचना कर रहे जिसे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया था। अर्थात आप नरेंद्र मोदी की समझ पर सवालिया निशान लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह होता है जब शीर्ष आसन पर बैठा व्यक्ति गलतियां करता है, जानबूझकर गलतियां करता है, तो उनके अधीनस्थ उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, नतीजे तक की पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है, जो अभी हो रहा है। ये दो उदाहरण मैंने पेश किए। ये ठीक है कि राहुल गांधी ने जिस रूप में
अमेरिका में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया, वह नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री को नमूना बताकर उन्होंने नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा नहीं किया, देश के भारत देश के प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। ऐसा विदेशी धरती पर ही होना चाहिए। आप यहां आइए, आलोचना कीजिए, करते रहे, स्वागत है, लेकिन विदेश की धरती से अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो यह पीड़ादायक है, इसे भारतीय जनता स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी ने जो तीखे प्रहार किए उससे तो ऐसा लगता है कि वो जो पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी जो नई छवि बनी थी, एक सकारात्मक रूप में उसे देश की जनता ने स्वीकार किया था, लगता है उस उपलब्धि को वो कचरे की पेटी में फेंक देना चाहते हैं। स्वयं राहुल गांधी सतर्क रहे, उन्होंने जो पिछड़ी जातियों महिलाओं को लेकर जो बातें की और ये कहा कि 80 के दशक में जो स्थिति थी आज वही स्थिति है, वे भूल जाते हैं कि 80 के दशक में केंद्र से लेकर विभिन्न राज्यों में अपवाद स्वरूप को छोड़कर कांग्रेस का ही शासन था। मतलब कांग्रेस शासन के दौरान जो अति दुखद स्थिति में वह वर्ग था, वह आज भी अगर है तो आपने स्वीकार किया। अब इसे हम इस रूप में पेश नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है, क्योंकि शब्दों का प्रयोग और भाव भंगिमा से साफ पता लगता है कि वह भी वही गलती कर गए जो प्रधानमंत्री मोदी या उनके अन्य मंत्री कर रहे हैं। राहुल गांधी इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि भारत की जनता की पैनी निगाहें न केवल सत्ता पक्ष की ओर बल्कि विपक्ष की ओर भी लगी रहती है, और अभी तो ज्यादा इसलिए कि अब लोकसभा का चुनाव सन्निकट है, कुछ माह बचे हुए हैं, इसकी तैयारी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जो राजस्थान गए और जो आक्रमण किया वह इसी तैयारी का एक भाग था। वो जानते हैं कि अभी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हार के बाद जो अन्य विधानसभा चुनाव में राज्य विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उनके परिणाम निश्चित रूप से 2024 के चुनाव को प्रभावित करेंगे। वो भी बेचैन है, वो भी व्यग्र है, चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी में दुखद रूप से, मैं इसे दुखद रूप से कहूंगा, मात्र एक चेहरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी का है जो उन्हें चुनाव में जीत दिलवा सकता है, अन्य कोई चेहरा नजर नहीं आता। इस रूप में पिछले 9 वर्षों में उनकी प्रतिमा गढ़ी गई, उनका महिमा मंडन किया गया, जनता के सामने पेश किया गया, मोदी नाम केवलम, कि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने स्वयं कोई विकल्प नहीं है मोदी के अलावा जो उन्हें चुनाव में जीत दिला सके। हाँ, एक जो उनका सबसे बड़ा संबल है वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके कार्यकर्ता पूरे देश में फैले हुए हैं और उनके समर्पण उनकी प्रतिबद्धता पर कभी कोई सवाल या निशान नहीं लगाया जा सकता, उनका समर्थन है। वे सक्रिय होकर बूथ के स्तर पर मतदान के दिन जो काम करते हैं या उसके पहले जो करते हैं उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। चुनाव में विजय का श्री का एक बड़ा भाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खाते में जाता है, वह उनके साथ है। उनके कार्यकर्ताओं जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, जो समर्थक हैं, उनका समर्पण संघ के प्रति, संगठन के प्रति, वह एक उदाहरण देने योग्य है। उनकी प्रतिबद्धता पर, उनके समर्पण पर कभी कोई सवाल खड़ा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसी स्थिति में एकमात्र संस्था है जो भारतीय जनता पार्टी को विजय के रास्ते पर चलने में सहायक सिद्ध होती है। लेकिन यहां बात जब आती है नेतृत्व की,
तो जिस रूप में पिछले 9 वर्षों में मोदी का महिमा मंडन किया गया, उन्हें आम जनता के बीच में स्थापित किया गया, उस इस एक उद्देश्य को लेकर कि उनके समानांतर कहीं कोई नहीं दिखे, और यह सिर्फ भाषणों में आयोजनों तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने राजस्थान के दौरे के दौरान पिछले दिनों जो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और जो विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया, उसकी भी चर्चा की और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। यह ठीक है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भारत का लोकतंत्र अगर जीवित है तो यहां की जनता के कारण, यहां की लोकतांत्रिक जनता के कारण यह जीवित है। उस पर कोई आघात कोई करने की सोचे भी नहीं। जनता अच्छी तरह जानती है कि उसके हित में कौन नेता या कौन राजदल सामने आएंगे और उसे उन पर कितना विश्वास करना है। 2024 का जन्म सामने है, बल्कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी का अभिभाषण, राहुल गांधी का अमेरिका में अभिभाषण, ये सब उसके अंग है। लेकिन जैसा मैं आज उद्धृत कर रहा हूं दोनों के भाषण, दोनों की कमियों को, सिर्फ इसलिए कि जिम्मेदार पद पर बैठे, विशेषकर प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को कुछ बोलने के पहले शब्दों को तौल लेना चाहिए, तथ्यों को खंगाल लेना चाहिए, जनता के बीच अर्थात देश के बीच स्वयं को हास्यास्पद स्थिति में न डालें। इसके लिए आवश्यक है कि उनके सलाहकारों की टीम, जो सलाहकारों की फौज उनके साथ है, इस पर विचार मंथन करें। चूंकि यह कोई मानेगा नहीं, जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए जाते हैं, जो बोलते हैं तो वो अपनी मर्जी से बोलते हैं, उसके पहले चर्चा होती है, उनके सलाहकार उन्हें बताते हैं। लेकिन जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी बोल जाते हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि वे सही सलाहकार की जगह सिर्फ एक दलीय समर्थक की भूमिका में आ जाते हैं, हां में हां मिलाने वाले, चाटुकारिता करने वाले। अगर ऐसे सलाहकार होंगे तो वे हमेशा गलत सलाह ही देंगे, जैसा कि अभी देखने को आया। प्रधानमंत्री मोदी को हास्यास्पद साबित कर कटकरे में खड़ा करते, ऐसे पहले भी हो चुका है, जो उन्होंने बिहार को लेकर कहा था, लोकतंत्र को लेकर कहा था, हास्यास्पद, इतिहास से परे। इतिहासकार दंग रह गए थे, उन्होंने आंखों कानों, आंखों को पट्टी बांध ली, कानों में रुई ठूस लिया था। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को न आने दें, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी है और विशेष रूप से उनके सलाहकारों पर है। प्रधानमंत्री को उपहास का पात्र न बनाए, जब उनके भाषण तैयार करें तो स्वयं भी तथ्यों को खंगालें। अगर प्रधानमंत्री अपनी ओर से कुछ कहते हैं तो जो तथ्य है, जो सच्चाई है, उससे उन्हें अवगत कराए, उनका मुंह देखकर, चेहरा देखकर हाँ में हाँ न मिलाए। यह हुआ प्रधानमंत्री के बाद। दूसरी बात, राहुल गांधी के लिए भी एक परामर्श। राहुल जी, जैसा मैंने कहा कि देश की जनता की तीखी निगाहें पक्ष और विपक्ष दोनों पर लगी रहती हैं, आपने एक अच्छी नई छवि अर्जित की है, उसे संभाल के रखिए, बल्कि उसमें और निखार लाइए। लेकिन अगर आप विदेशी भूमि पर भारत की आलोचना करेंगे, अगर आप प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं तो भारत देश की आलोचना होती है, तो फिर आपको भी लोग कटघरे में खड़ा कर देंगे। इस बात को ध्यान में रखिए, जो एक भूमिका आपको समर्पित की गई है,